बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वादी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और फाइबर से भरपूर आलू बुखारे के जूस की रेसिपी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू बुखारे चाहिए। तो यहाँ पे आलू बुखारे मैंने लिए हैं 1/2 kg। एक मिक्सर जग लेंगे और इसमें हम आलू बुखारे ऐड करेंगे। आलू बुखारों को हम साबुत ऐड करेंगे क्योंकि इनकी सीड्स जो हैं वो सख्त होती हैं, ये जूस के साथ ब्लेंड नहीं होती, तो हम इसे ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे हिस्ब जायका। आलू बुखारे खट्टे मीठे होते हैं तो नमक ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1/2 कप। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद खूब अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसकी ब्लेंडिंग हमने खूब अच्छी तरह से करनी है। आप देख सकते हैं जूस हमारा रेडी हो चुका है। ये लें जी, बहुत ही डिलीशियस और फाइबर से भरपूर आलू बुखारे का शरबत बनके रेडी हो चुका है। अब हम ग्लास में आइस क्यूब ऐड करेंगे और मज़ेदार सा ठंडा ठंडा आलू बुखारे का शरबत इन ग्लासों में सर्व करेंगे। ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा आलू बुखारे का शरबत बनके रेडी हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।